हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि लॉयर और एडवोकेट क्या ये दोनों अलग होते हैं। दोनों हम अक्सर सुनते हैं ये लॉयर है ये एडवोकेट है, मतलब क्या होता है इसका और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या, ये आज हम करने वाले हैं। सो दिस में विशाल सिंह यू आर वाचिंग मी एट द रेट ऑफ विशाल अग्रवाल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले हमारे सामने टर्म आता है लॉयर। लॉयर कहते किसे, जिस भी स्टूडेंट ने या किसी ने भी लॉ अपना पूरा कर लिया कंप्लीट और अभी उसके पास डिग्री है तो उसको हम लॉयर कहने लग जाते हैं। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ डिग्री होती है, बस इतना काफी है एक लॉयर कहने के लिए। लॉयर एडवाइस देता है लोगों को, जिसको भी एडवाइस चाहिए लीगल एडवाइस ये सब दे सकता है, ठीक है। पर इसके पास राइट नहीं होता अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में जा सके, नहीं इसके पास राइट नहीं होता। अब आता है हमारे सामने एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है जिसके पास लॉ डिग्री होती है, साथ ही साथ उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्रैक किया, एग्जाम पास किया। जब एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का करते हैं तो उसको एक लाइसेंस मिलता है, एडवोकेट का एक लाइसेंस होता है वो उसको मिलता है, जिसके बाद वो अपने क्लाइंट की बात को वहां पे रख सकता है, कहां पे, कोर्ट के अंदर। तो ये होता है जो एडवोकेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने क्लाइंट्स की बात रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जो एडवोकेट है वो लॉयर से थोड़ा ऊपर होता है क्योंकि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्रैक किया होता है और वो अपने कोर्ट के अंदर लड़ सकता है, जबकि लॉयर के पास ये राइट नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा डिफरेंस आप समझ गए। साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि बैलिस्टर किसे कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा बैलिस्टर है, मतलब क्या होता है बैलिस्टर, मतलब होता है कि कोई भी, ये जो लॉ डिग्री है जब इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से आप करते हो तो उसको कहता है बैलिस्टर। जैसे हमारे में लॉयर, तो जो भी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से पास की हुई है उसे कहते हैं बैलिस्टर। जैसे हमारे गांधी जी थे, उन्होंने कहां से किया था, इंग्लैंड से, तो उनको क्या कहता था, बैलिस्टर कहा था। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी इसने। जय हिंद, दिस इज मी विशाल सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।